नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप सभी को बता दें, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका बीच में मुकाबला जारी है, जहां पे आप सभी को बता दें पाकिस्तान की टीम का जो स्कोर हो चला है 298 रन बनाई थी, ऑल आउट हुई पाकिस्तान की टीम दूसरी पारी के अंदर 102 ओवरों के अंदर। साउथ अफ्रीका की टीम की बात है, साउथ अफ्रीका की टीम आपको 137 रनों के अंदर आपको एक विकेट गंवा चुकी है चायकाल के टाइम पर। जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इडम आक्रम ने 14 बनाए हैं, वहीं पे डीन अलगार ने 17 बनाए हैं और रसी वैन ने 4 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में अब देखिए तो बल्लेबाजी में ऑफ डुप्लेसिस आने बाकी हैं, क्विंटन डिकॉक ने आने बाकी हैं, टेम्बा बाउमा आने बाकी हैं, जॉर्ज लेंड, केशव महाराज और खगिसो रबाड़ा के अलावा एनरिक नोकिया। गेंदबाजी में एक विकेट आपको शहीन शाह अफरीदी ने, हसन अली ने कोई विकेट नहीं, नौमान अली ने कोई विकेट नहीं निकाली है। तो ये है दोस्तों लेखा जोखा। अभी इस वक्त आपको साउथ अफ्रीका की टीम 37 रन बना चुकी है एक विकेट नुकसान के बाद 10वें ओवर की समाप्ति के बाद। 333 रन अभी भी फिलहाल साउथ अफ्रीका की टीम को जीतने के लिए चाहिए यहाँ से। आज सुबह बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम 6 विकेट गंवाने के बाद उसके बाद 7वीं विकेट यहाँ पर अपनी गंवाई। आज के मैच के अंदर अगर आप देखेंगे तो रिजवान ने 115 रनों की नाबाद पारी के लिए, बड़ी कमाल की पारी के लिए मोहम्मद रिजवान ने। फहीम अशरफ ने 29 बनाए, इसके अलावा हसन अली ने 5 बनाए, यासिर शाह ने 23 बनाए, नौमान अली ने 45 बनाए और शहीन शाह अफरीदी ने 4 बनाए। 298 पर ऑल आउट हो गए। कगिसो रबाड़ा ने 2 विकेट, केशव महाराज ने 3 विकेट और जॉर्ज लिन ने आपको इस मैच के अंदर 5 विकेटें निकाली। तो ये था लेखा जोखा दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी में, यहाँ पर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की ओर से। और पहली विकेट आपको शून्य पे चली गई थी इमरान भट्ट की, दूसरी 28 पे, तीसरी बाबर आजम 45, चौथी 63, पाँचवीं 76 पे, इसके अलावा 128 पे, 143 पे, 196 पे और नौमान अली 293 और आखिरी विकेट 298 पे शहीन शाह अफरीदी के रूप में गई थी। तो यहाँ पर ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो पाकिस्तान की टीम के लिए दोस्तों काफ़ी अच्छी स्थिति फिलहाल बनी हुई है इस वक्त इस मुकाबले को जीतने के लिए। वही हम देखें आपको पाकिस्तान की टीम पहली पारी के अंदर 272 रन बना पाई थी, ऑल आउट हो गई थी, जहां पे अगर आप देखेंगे तो उस पारी के अंदर फहीम अशरफ ने 78 बनाए थे, 77 आपको बाबर आजम ने और इसके अलावा अगर हम देखें तो बल्लेबाजी में 45 फवाद आलम ने बनाए थे और 5 विकेट आपको कगिसो रबाड़ा ने, 3 विकेट आपको केशव महाराज ने और 1 विकेट आपको वियान मल्डर ने निकाला था। तो ये था लेखा जोखा दोस्तों अगर देखें तो पाकिस्तान की टीम की ओर से। वहीं यहाँ पर दूसरी पारी के अंदर साउथ अफ्रीका की टीम ऑलरेडी आपको 37 पे एक विकेट गंवा चुकी है और पहली पारी के अंदर साउथ अफ्रीका की टीम ने 201 बनाए थे, जहाँ पे यहाँ पे 44 रनों की नाबाद पारी टेम्बा बाउमा ने खेली थी और इसके अलावा 33 रन वियान मल्डर ने और 29 रन क्विंटन डिकॉक ने बनाए थे। शहीन शाह अफरीदी ने 1 विकेट निकाली थी पहली पारी के अंदर, दूसरी पारी के अंदर 5 विकेट और फहीम अशरफ ने 1 विकेट और 1 विकेट नौमान अली ने निकाली थी। तो ये था लेखा जोखा दोस्तों यहाँ पर पूरा का पूरा इस मैच का। आप ज़रूर हमें नीचे कमेंट करके बताइए आप लोगों का क्या ख्याल है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के इस मुकाबले के बारे में, कौन सी टीम ये मुकाबला जीतेगी, पाकिस्तान की टीम या फिर साउथ अफ्रीका की टीम। यहाँ से तो साफ नज़र आता है कि पाकिस्तान की टीम ये मुकाबला जो है यहाँ पर शायद ये मुकाबला आसानी के साथ जीत जाएगी, लेकिन अभी भी फिलहाल आज का पूरा दिन बाकी है, आज का पूरा एक सेशन बाकी है और कल का जो है पूरा का पूरा एक दिन बाकी है। तो करीब करीब आपको मैं बता दूं यहाँ पर 120 ओवरों का खेल, 125 ओवरों का खेल होना बाकी है इस मुकाबले के अंदर। इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए आप हमारे साथ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए जल्दी जल्दी।